भाई पौने सात हो चुके हैं और हम बाइक के पास पहुंच चुके हैं फाइनली। चलो भाई चलते हैं। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, मौसम भी भयावह हो रहा है भाई, जंगल भी भयावह हो रहा है। मैं अंकल से पूछता हूँ जो यहाँ पर है, अंकल से पूछते हैं कुछ। तो बगैरा वगैरह तो आ जाता होगा, भालू रहता है, भालू भी आता है ना, काकड़ वगैरह तो है, पर इतनी सारी गायें हैं तो उनपे एक दो पे तो करता रहता होगा अटैक, दूसरे तीसरे दिन मारता रहता होगा ना। जो पीछे वाला रास्ता है मंदिर के उस तरफ जो जा रहा है, हाँ बस वो एक ही गांव के लिए जा रहा है, और विकास नगर की तरफ लांगा की नहीं निकल जाता है। अरे वाह, कुछ देर कुछ दूर तक पैदल जाना पड़ेगा, फिर वहां से वो जीप मिल जाएगी। अच्छा समझ गया, उधर से भी आ सकते हैं मतलब भद्राज। वैसे ये भद्राज मैंने चक्राता के पहाड़ों से भी देखा है, वो नहीं है विराट खाई, विराट खाई से दिखता है, सामने ही है ना विराट खाई, तो पैदल भी जा सकता है आदमी जाए तो। ट्रैक बन रहे होंगे, बहुत बढ़िया। और जहां हम खड़े हैं ये सीधा पेट्रोल यूनिवर्सिटी के प्रेमनगर के ऊपर की तरफ है ये एरिया, है ना, हाँ इस तरफ है। अच्छा प्रेमनगर थोड़ा सा इस तरफ है, पेट्रोल में इधर है, ये उस बिदोली के ऊपर होगा, ये जहाँ जसपाल राणा शूटिंग रेंज है, बिदोली के ऊपर भी नहीं है, ये है आपका कोटी के ऊपर। अच्छा अच्छा भाव वाला के ऊपर है ये, भाव वाला के इधर था, वो भी इस साइड में बैक साइड में पड़ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। चलो बढ़िया है। वैसे यहाँ से सेला भी पड़ता है बिल्कुल सामने। वैसे एरिया बहुत अच्छा है ये, मतलब बादल कभी फटने का ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, वैसे तो नहीं आज तक तो हुआ नहीं है, बस बिजली तो गिर जाती होगी जब होती है, वो तो पेड़ों पे गिरती है। पिछले बार भैंसे मरी यहाँ गुजरों की। अच्छा भैंसों के ऊपर गिर गई, वो पेड़ के नीचे होंगी, पेड़ पे गिरी होगी, तालाब में पूरे के पानी के तालाब। ओहो तालाब के अंदर रात को हुआ होगा हादसा, दिन में 2:30-3 बजे। अच्छा तालाब में बिजली गिरी और सारी मर गई, साइड में गिरी हो तालाब में, नौ जीवन भैंसे, ओह नौ मर गई। इसलिए तालाब से हमेशा दूर रहो और पेड़ के नीचे मत रहो, ये तो है। या नंगे पैर कोई घूमेगा उसको हो जाएगी, जूतों में नहीं होगा क्योंकि अर्थ नहीं मिलता ना, पेड़ों में देवदार में पड़ेगी ज्यादा, हाँ देवदार में चिड़ में ज्यादा पड़ती है, वो मैंने देखा है। चलो बढ़िया है, क्योंकि मैंने कहा मौसम तो इतना खतरनाक है, जंगल इतना खतरनाक है, ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ लेपर्ड ना हो। लेपर्ड तो इधर हाथीपाव की तरफ कुछ ज्यादा ही है, उधर ज्यादा है इधर लेपर्ड, लेकिन वैसे नहीं होते जैसे प्लेन्स में अटैक करते, समझ गया, अटैक नहीं करते, मेरे को पता है भाई, भालू करता है अटैक, भालू कर देता है। भालू की पॉसिबिलिटी कहाँ रहती है, सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है, आज तक तो वैसे दिखा नहीं, बताते हैं है ना, बिनोग वगैरह में बहुत शर्मीला होता है, बहुत कम होते हैं, तो बिनोग साइड में, बिनोग में होगा। चलो बढ़िया है, थैंक यू भैया। भाई क्या हवा चल रही है, क्या पकड़ के बैठना पड़ रहा है, घना जंगल जो पहाड़ी ड्राइवर है या पहाड़ों में ड्राइव करता रहता है वो यहाँ पे आराम से चल सकता है, बाकी दिक्कत हो जाती है। भाई देखो सामने मेरे ख्याल से एक होम स्टे है, बहुत प्यारा ग्रासलैंड में दिख रहा है रेड कलर का, वहाँ देख के आएंगे अगर। मचान बनी हुई यहाँ पे अपनी फेवरेट मचान, यहाँ से आता है व्यू खतरनाक वाला, ये देखो मचान से पूरा ग्लेशियर का व्यू आता है यहाँ से, इसलिए बनाई हुई है। छोटी छोटी हट में रात गुजारनी पड़ती है भाई, कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो लेक आ गई, यहाँ पे ना आराम से चलना, यहाँ पे ही है उसका रास्ता, भैया इसका रास्ता इधर बाइक चली जाएगी। चलो भाई अरे डॉग, चलो भाई एक होम स्टे दिखाता हूँ आपको, बहुत प्यारा इतने फोग में। मैं आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ भाई, देखो पुंडीर एवं नेगी होम स्टे है, तिमलियाल गांव बोलते हैं, नंबर इनका ये है भाई। इस पर व्हाट्सअप चलता है, इस पर व्हाट्सअप नहीं चलता, फोन करके आ सकते हैं आप, नंबर बता दो 9411515739। चलो ये नंबर है भाई, चलो देख के आते हैं। बिल्कुल शांत लोकेशन में है, नीट एंड क्लीन है, कोई आसपास नहीं है, बहुत डेंस फॉरेस्ट वाला फील आता है, इतना फोग है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल यूनिक है क्योंकि मैं अपने चैनल पर यूनिक होम स्टे और यूनिक कंटेंट ही दिखाता हूँ। यहाँ से चलना कितना पैदल पड़ता है, अच्छा सामने ही है, शांति तो बिल्कुल रहती है ना यहाँ, और जो चिड़ियाओं के शौकीन है उनके लिए भी भरमार चिड़िया है। अच्छा और जो वाइल्ड लाइफ के लवर हैं, जिनको जैसे थोड़ा लाइफ पर साइट करना है या फिर कुछ येलो थ्रोटेड मार्टिन या कुछ अलग सी चीज, तो वो भी दिख जाती होंगी तो कभी कभी। बढ़िया है भाई, जानवर तो रात को यहीं आ जाते हैं। अच्छा अरे वाह अरे वाह, काकड़ बार्किंग डियर सभी हैं ना, बहुत बढ़िया भाई। ये देखो व्यू, अगर कोई कैंप लगाना चाहे अपना यहाँ पे लगाना चाहे लग जाएगा,
बस वो लगाने के जो पैसे लोगे आप वो ले लोगे। उनके लिए लैट्रिन बाथरूम बाहर बने हैं। बाथरूम बाहर बने हुए हैं भाई, किसी को कैंप लगाना है लगा लो। ये देखो यहाँ पे, और एक लगा हुआ है ऑलरेडी कैंप। और ये देखो, ये है भाई होम स्टे। और कोई होम स्टे नहीं है इस एरिया में। इसके अलावा देखो, शांति महसूस करो कितना डार्क है। उस तरफ से राहुल भाई आ रहे हैं, वो भी नहीं दिख पा रहे। वाह, लाइट आ रही होगी या इन्वर्टर होगा? चलो देखते हैं भाई, रूम देख लेते हैं। एक दो तीन चार पांच रूम है। तीन में अटैच लैट्रिन बाथरूम है। तीन में अटैच लैट्रिन बाथरूम है, दो में नहीं है। दो में नहीं है, बिल्कुल सिंपल रूम है पहाड़ी स्टाइल। और ये देखो भाई, कैसा लग रहा है राहुल भाई? मस्त है, मस्त है भाई। इतना फोक फोक तो ऐसे ही रहता होगा यहाँ पे, है ना। तो देखो इस तरह के ये रजी गद्दे, दो लोग सो सकते हैं इस पे। और गद्दे हार्ड वाले हैं। और बाथरूम दिखा देता हूँ, बाथरूम तो मैं दिखाता ही हूँ भाई। ये रहा, इंडियन है, इंडियन इंडियन सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, इसका क्या प्राइस रहता है? जो भी है कम से कम आप बता दो, लोग डायरेक्ट आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। 1500। अच्छा, 1500 चलता है भाई। 1000 मिनिमम है, 1500 मैक्सिमम है। सीजन टू सीजन डिपेंड करता है, आप कॉन्टेक्ट कर लेना, नंबर मैंने बता दिया है। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप ओनर हो? तो यहाँ पर जो मिलेंगे दिलावर सिंह नेगी हैं, और इन्हीं को कौन लाएगा, और यही यहाँ पर ओनर है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो अभी चालू किया आपने कुछ ही महीनों में, साल में। अब तो आगे आगे बढ़िया मौसम होने वाला है भाई, बारिश कम ही होती जाएगी धीरे धीरे। बेस्ट है, ग्रासलैंड है। ये देखो, यहाँ से रात को व्यू आता है, लाइटिंग दिखती होगी, पूरा देहरादून दिखता है ना। बहुत बढ़िया, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ का। इस तरह का फॉग नॉर्मल रहता है। बाकी ये देखो, स्टेप में है नीचे की तरफ पूरा ग्रासलैंड। ये देखो, ये अच्छी चीज़ ही है, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे लाइट नहीं है। जैसे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में होता है, हम कॉर्बेट और राजा जी जाते हैं, तो सोलर रखा हुआ है इसके ऊपर, तो उसी से लाइट जलती है। तो बहुत कम यहाँ पे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीली यूज़ कर रहे हो, तो ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पानी के और बिजली के। तो जो इस जगह के शौकीन हैं, किसी को कैंप लगाना है तो कैंप भी लगा सकता है, बात कर लेना इनसे, बोनफायर भी हो जाती है। बहुत बढ़िया, भद्राज क्लाउड एंड की तरफ है ये एरिया, चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वहाँ पर है वो प्रॉपर्टी, हल्की सी दिख रही है, उस तरह से आए हम। सब्जी वगैरह बोग रखी है कुछ? हाँ, बोया हुआ है सब्जी बोली। चलो बढ़िया, यानी कि साफ खाने को मिल जाए, रोड के बिल्कुल पास ही है। थार तो चली जाएगी वहाँ पे आराम से, तो गाड़ी प्रॉपर्टी तक ही चली जाती है भाई। भाई देखो, अब लाइट कैसी दिख रही है भाई फोग में। बारिश भी आनी शुरू होगी। कैसी आ रही है ना कीड़े मकड़ों की, अकेला जाएगा भाई थोड़ी देर बाद। अभी तो फिर भी दिन निकल रहे हैं, इतने में भी नहीं आ पाएगा अकेला, हालत खराब हो जाएगी। पहले आदमियों को भूतों की कहानी सुनाओ, फिर उसको भेजो अच्छा कहानी सुना कर। ये भी छिल बन गया ये पूरा। ओ भाई, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट।
दोस्तों ये फील करो, ये फील करो, मोमेंट ऑफ द डे ये है, सबसे बेस्ट टाइम ये है। इतना घना जंगल, इसको बोलते हैं विची इन्वायरमेंट, चुड़ैल वाला इन्वायरमेंट। चुड़ैलों की काफ़ी कहानियाँ हैं इन पहाड़ों में। चलो भाई ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। राहुल भाई को ऋषिकेश भी निकलना है और खतरनाक मौसम हो रहा है। ओ माय गॉड, मैं तो इसमें चलो मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, तुम आना उधर से ताकि काफ़ी अच्छा लगेगा। चलो भाई पैदल पैदल दिखाता हूँ थोड़ा सा और जंगल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे एक मंदिर आ गया, पहाड़ों पे जगह जगह आपको मंदिर मिलेंगे। वाह क्या शांति है भाई, ऐसा एनवायरनमेंट तो बहुत कम मिलता है। ये देख लो भाई, हो सकता है मैं दोबारा रिकॉर्ड ना कर पाऊँ इसको, दोबारा मेरा आना ना हो इस जगह। बाइक भी दिख नहीं पा रही भाई, येलो लाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है इस घने जंगल में, कोहरे में। चलो भाई, ये भूतों की बात कर रहे थे, अभी कुछ लोग आ रहे थे, मसान की बात कर रहे थे, मुझे लगा मसान क्या होता है, तो पहाड़ी वर्ड है मसान, तो राहुल भाई ने बताया वो मसान भूत, भूत था भूत। यहाँ पे छोटी सी दुकान, हर एक आदमी ने यहाँ पे लेपर्ड देखा है, भालू देखा है, येलो थ्रोटेड मार्टिन देखा है, सारे जानवर देखे, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। इसको बोलते हैं क्लाउड एंड, ऐसी थोड़ी अंग्रेजों ने नाम रखा है क्लाउड एंड। ये है असली जोर्ज एवरेस्ट का एरिया, ये है असली हाथीपाव का एरिया, ये है असली भद्रास टेम्पल का एरिया। अभी तो कुछ नहीं, अभी आगे आगे और भी आएगा देखना, पूरा ऐसा मिलेगा मसूरी रोड तक। एक महीना हो गया यहाँ पे धूप निकले, पता है आपको। कोई नहीं पैदल आएगा यहाँ पे, अब तो जो पैदल आएगा गायब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रखा है, लैंडस्लाइड तो नहीं हो गई? अगर लैंडस्लाइड हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी भाई, काफी लोग फंस रखे हैं यहाँ पे। अच्छा गाड़ी, अच्छा ये तो वही है, चलते रहो हम निकलवा देंगे। अरे मैं निकाल दूंगा भाई, यहाँ पे कार फंस चुकी है। चलो भाई उनकी कार तो निकलवा दी हमने, अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं इस फॉग में। कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ जहाँ तक लाइट जा रही है वहाँ तक दिख रहा है। हम ना टाइम गिन रहे हैं, किलोमीटर गिन रहे हैं कि कितने जंगल पार कर लिया, मसूरी रोड कब आएगी। जब ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं ना तो ऐसे ही होता है। और भाई गैस की गाड़ी, अब तो खैर उसने पेट्रोल पे कर ली थी, अर्टिगा ला रहा है, फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील और बैक व्हील ड्राइव में अंतर होता है, स्कॉर्पियो तो चढ़ जाती है, बैक व्हील ड्राइव है, और 4x4 तो होनी ही चाहिए भाई यहाँ पे। क्लच प्लेट फूकने का अलग से डर रहता है, इतनी खतरनाक चढ़ाई भद्राज की, ऐसे मत आया करो भाई। बोल ऐसी दिल्ली की लड़की ऐसी मुंह उठा के आ गई, और ड्राइवर ने भी मना नहीं किया उनको। आपने इंस्टाग्राम पे रील देख ली और आप आ गए? हाँ इंस्टाग्राम पे रील देख ली होगी भद्राज की, और आगे और इतना लेट आ गए, भटक गए रास्ता, एक घंटा उनका वहाँ खराब हो गया। भाई मसूरी पहुँच चुके हैं, मतलब मसूरी दिख गया है हमें, मसूरी जाएंगे तो नहीं, पर देख लो भाई कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये व्यू जब हम जोर्ज एवरेस्ट से आते हैं तभी आता है, बहुत बढ़िया। रात के 8:15 हो रहे हैं, एक बार और मसूरी का व्यू देख लो, बिल्कुल सामने चमचमाती मसूरी, देखो कितनी बड़ी हो चुकी भाई ये। चलो 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 लेट्स गो। 9 बज के भाई घर पहुंचने में, अब राहुल भाई तो निकल रहे हैं ऋषिकेश, रुक नहीं रहे, मैंने बोला कि रुक जाओ कल चले जाना या कुछ खाना पीना खा के जाओ, लेकिन इनको अब कह रहे हैं अभी निकलूंगा तो 10:30 तक घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ये भी फॉरेस्ट से होके जाएंगे, थानों के फॉरेस्ट से, फिर राजा जी के फॉरेस्ट से, संभल के जाना, देख के जाना। वैसे तो मिलते हैं ठीक है, बाकी बाइक तो मस्त चल रही है, पेट्रोल वगैरह सब भाई है ना, ठीक है ओके है ना।
ओके बाय, बाकी डेटा मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, कहीं का घूमेंगे, है ना, करते हैं जल्दी, है ना, ठीक है, ओके भाई। यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश हुई है भाई देहरादून में, हमें रास्ते में कहीं नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे अच्छा हुआ, देखो ज़बरदस्त बारिश होके बंद हो गई है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब ऊपर भी बारिश नहीं थी जहाँ पे हम गए थे, अपना इलाका इज़ द बेस्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला इलाका।